पूर्व मिस वर्ल्ड और अभिनेत्री मानुषी छिल्लर ने अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज से बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में मानुषी छिल्लर और अक्षय कुमार के अलावा संजय दत्त और सोनू सूद भी अहम भूमिका में नजर आए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई। वहीं अब जो रिपोर्ट सामने आई है उनके मुताबिक सम्राट पृथ्वीराज के बाद अब मानुषी छिल्लर फिर से अभिनेता अक्षय कुमार के साथ नजर आ सकती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मानुषी छिल्लर अब अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की बड़े मियां छोटे मियां में बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आएंगी। मानुषी छिल्लर से पहले इस फिल्म के लिए करीना कपूर खान का नाम भी सामने आया था। हालांकि मानुषी छिल्लर की एंट्री को लेकर मेकर्स की तरफ से कोई भी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फिल्म में तीन अदाकाराएं लीड रोल में दिखाई देंगी। फिल्म अगले दो महीनों में फ्लोर पर उतरेगी। अक्षय कुमार की फिल्म में मानुषी को एक बार फिर से देखने के लिए ऑडियंस काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वैसे आपको बता दें, बड़े मियां छोटे मियां अली अब्बास जफर द्वारा निर्देशित और दीपशिखा देशमुख और जैकी भगनानी द्वारा निर्मित है। मानुषी के अलावा फिल्म में जाह्नवी कपूर भी अहम रोल में दिखाई देंगी। वैसे वर्क फ्रंट की बात करें तो मानुषी छिल्लर के पास जॉन इब्राहिम की तेहरान भी है। मानुषी छिल्लर इन दिनों इस फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी हैं। अक्षय कुमार की बात करें तो उन्हें आखिरी बार राम सेतु में देखा गया था।